हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल EDUCHEM लाइव क्लासेस। मॉर्निंग सेशन होता है अपने पास करंट अफेयर्स का। जितनी भी आपके करंट अफेयर्स की जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। आज 17 जनवरी, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं आपको इसमें जो कवर करने वाला हूँ, आपका जो जितनी भी एग्जाम्स हैं जिनमें आपका GS वाला पोर्शन आएगा उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है उसका वेटेज आजकल एग्जाम्स में बढ़ गया है, तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। और जो भी आपके एग्जाम्स लाइक आपके 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में आपकी बहुत सारे एग्जाम्स होंगी, उनके अंदर आपका एक तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात और सजेशन है मेरी तरफ से कि आप जो करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी नोशन होती है, धारणा होती है कि मैं 6 महीने का है, 1 महीने का एक साथ में कवर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप दिन के एक तरह से 10-15 मिनट निकालिए और जितनी भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं उनका शो देखिए, पूरा देखिए और उनको कनेक्ट भी करिए, ताकि आपका जो एक कनेक्शन होता है कि आज की जो न्यूज़ आई है क्या वो न्यूज़ पहले 5 दिन की न्यूज़ से कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही है। यदि आप कनेक्ट करेंगे न्यूज़ को तो आपको बेटर आपके याद होगा। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। पहली बात करते हैं हम मिस्टर मोहम्मद अली कमर की। ठीक है, आप इनके बारे में क्या न्यूज़ है उनको देख लेते हैं। मोहम्मद अली कमर, द मैन हु वन इंडियाज फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग। अब इन पर्सन ने पहला एक तरह से गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया की तरफ से, वो भी बॉक्सिंग वाले गेम के अंदर। हैज टेकन ओवर एज द चीफ कोच फॉर द कंट्रीज फीमेल बॉक्सर्स। इंडिया के जो फीमेल बॉक्सर्स हैं, ठीक है, उनका एक तरह से हेड कोच जो होगा, चीफ कोच जो होगा, वो इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम है मोहम्मद अली कमर और ये आपके इंडियाज फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग ये आपके रह चुके हैं पहले। सो बात करते हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है वेटरन शिव सिंह को। शिव सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है और वेटरन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, तो मिस्टर शिव सिंह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। ठीक है, इनको रिप्लेस किया है मोहम्मद अली कमर ने। हु इज सेट टू टर्न 38, जो अभी 38 ईयर्स के होने वाले हैं, इज ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन टू लैंड द जॉब। ठीक है, दैट मीन्स कि वो यंगेस्ट पर्सन है इस जॉब पर आने वाले। चीफ कोच होंगे तो उसके लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा किसी को तो ही उसको वहाँ उस पद पे एक तरह से लगाया जा सकता है। लेकिन आपके ये यंग तो हैं, 38 ईयर्स, ज़्यादा कोई एज नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको इनके जॉब पर लगाया गया है। कमर्स कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड केम इन 2002 मैनचेस्टर एडिशन इन द लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी। 2002 में इन्होंने गोल्ड, जो गोल्ड जीता था उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड कब जीता था इन्होंने 2002 के अंदर। और अब इनको फीमेल बॉक्सर का आपका चीफ कोच नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, मोहम्मद अली कमर। बात करते हैं सेकेंड न्यूज है, ये है पर्सन मनु साहनी। अब ये क्यों आपके न्यूज में है इसको देख लेते हैं। आपको पता है जो क्रिकेट का एक तरह से पैनल है, आपको पता है इंटरनेशनल जो काउंसिल है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC। उसने अनाउंस किया है कि मनु साहनी, उनको अपॉइंट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन का, किसका, ICC का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO, यानी एक तरह से ICC के नए CEO किसको नियुक्त किया गया है, मनु साहनी को। और किसने नियुक्त किया है, ICC ने। दूसरी बात, इन्होंने किसको एक तरह से रिप्लेस किया है, यानी कौन इस पद से हटा होगा और किसको अब लगाया, आपको मैंने बता दिया, मनु साहनी को लगाया गया है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए किसको हटाया है यहाँ से। पहले यहाँ पे थे आपके CEO डेविड रिचर्डसन को यहाँ पे रिप्लेस किया किसने, मनु साहनी ने। और ये कब से स्टार्ट करेंगे, ICC वर्ल्ड कप 2019 होने वाला, आपको पता है मई लास्ट और जून स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तब से आपके नए CEO कौन होंगे, मनु साहनी। ठीक है, बात करते हैं ICC का हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, दैट इज UAE। और इसके चेयरपर्सन कौन है, मिस्टर शशांक मनोहर इसके चेयरपर्सन हैं। सो मनु साहनी का नाम आपको याद होना चाहिए, नए CEO हैं ICC के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे पर्सन जिनकी यहाँ पे न्यूज़ है मेरे पास, वो है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन क्यों इस न्यूज़ में अंदर हैं, न्यूज़ के फेमस क्यों हैं वो देख लेते हैं। इंडियन फुटबॉल टीम हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन हैज स्टेप डाउन, यानी इन्होंने एक तरह से रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। और ये क्या थे, इंडियन फुटबॉल टीम है उसके हेड कोच थे, कौन, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है आफ्टर द टीम्स शॉक
0-1 डिफीट टू बहरेन विच लेड टू इट्स एग्जिट फ्रॉम द एशियन कप। आपको पता है कि एशियन कप चल रहा है, उसके अंदर इंडिया का भी लास्ट मैच था बहरेन के साथ में, बहरेन ने इंडिया को हराया 1-0 से। सो ऑब्वियस है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि कभी आपकी टीम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हार जाती है तो किसी न किसी का इस्तीफा देखने को मिलता है। यहाँ इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं एंग्लो साइप्रियट कोच टुक ओवर द रेंज ऑफ द टीम इन 2015। जो कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने 2015 के अंदर पदभार संभाला था 2 साल के लिए, ठीक है, और फिर उनको वापस आगे बढ़ा दिया गया। तो आपको पता है अभी इन्होंने एक तरह से रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। तो ये आपके कौन थे? इंडियन फुटबॉल टीम हेड कोच। देखो क्वेश्चन क्या चाहता है एग्जाम के अंदर कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन हाल ही में चर्चा में रहे थे, ये कौन है, या फिर ऐसे आ सकता है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, वो क्या थे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच हेड कोच जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया उनका नाम क्या था। तो वेरियस आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समिट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल एविएशन समिट 2019, यानी कि ग्लोबली जो आपकी एविएशन, यानी तो आपका उड्डयन वाला मंत्रालय होता है ना, उड्डयन जो आपके जिसमें एरोप्लेन्स वगैरह की बात होती है, एविएशन उसको बोलते हैं, उसकी समिट हो रही है 2019 की। उसमें क्या आपको पता है, पहली बात तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है इंडिया के, मिस्टर सुरेश प्रभु, उन्होंने इनोग्रेट किया है द ग्लोबल एविएशन समिट इन मुंबई, जो आपकी GAS है, ग्लोबल एविएशन समिट 2019, उसका उन्होंने शुभारंभ किया है मुंबई के अंदर। द समिट इज ए यूनियन एंड इट विल एड्रेस द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड, यानी एक तरह से ये यूनियन है और यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को एक तरह से उनका निस्तारण किया जाएगा जो फेस की जाती है। समिट की थीम जरूर याद रखनी चाहिए आपको, कोई भी समिट हो, कोई भी आपके समिट बोल सकते हैं शिखर सम्मेलन हो, उसकी थीम क्या है, यानी क्यों, किस बात को लेकर वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी थीम क्या है, एजेंडा क्या है उनका। सो थीम है इसकी फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन, ये आपकी थीम है, फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन, ये आपकी थीम है, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। इज बींग ऑर्गेनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन एसोसिएटेड विद फिकी, FICCI के एसोसिएशन के साथ में आपके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं मिस्टर सुरेश प्रभु। ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, ठीक है। बात करते हैं इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की। सो देखो तमिलनाडु के एक लड़के डी गुकेश, मिस्टर डी गुकेश ने एक तरह से बिकेम, यानी बन गए हैं द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि यदि वर्ल्ड की बात करें तो देखो यंगेस्ट की बात होगी, यानी छोटे छोटा जिसकी उम्र बहुत कम है, तो ये सेकंड यंगेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, सेकंड यंगेस्ट वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर इनको बोला जाएगा, एंड द यंगेस्ट इंडियन, और इंडिया में ये यंगेस्ट होंगे। दैट मींस कि इंडिया की बात करें तो इनसे छोटा अभी तक कोई ग्रैंड मास्टर नहीं हुआ है, और वर्ल्ड की बात करें तो सिर्फ 1% से आगे है, ठीक है। सो इनकी उम्र है फिलहाल 12 years 7 months and 17 days, और इन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं कि इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है इंडिया के लिए वो किसके द्वारा सेट किया गया था, इन्हीं के स्टेट के हैं, तमिलनाडु के ही थे पहले, आर प्रघानंदा, ठीक है। आर प्रघानंदा ने जून 2018 के अंदर रिकॉर्ड बनाया था, उसको ब्रेक किसने किया है, मिस्टर डी गुकेश ने, और इनकी उम्र है 12 years 7 months and 17 days, वर्ल्ड के अंदर ये सेकेंड नंबर पर हैं। गुकेश बिकेम्स इंडियाज 59th ग्रैंड मास्टर, इंडिया के लिए 59th ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करते हैं कि सबसे यंगेस्ट कौन है ना वर्ल्ड के अंदर, सबसे यंगेस्ट कौन है, तो वो है यूक्रेन के सर्जी केर्जकिन, ठीक है, यूक्रेन जो आपका देश है उसके हैं सर्जी केर्जकिन, रिमेन्स द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर हैविंग अचीव्ड द फीट एट द एज ऑफ 12 years and 7 months इन 2002 के अंदर, वो आपके सर्जी केर्जकिन 12 साल 7 महीने के थे। तो और ये अपनी बात करें डी गुकेश, ये 12 साल 7 महीने के हैं लेकिन 17 दिन ज्यादा है, तो 17 दिन का फासला है, तो यंगेस्ट तो नहीं बोला जाएगा इनको, सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द यंगेस्ट इन अवर इंडिया, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से नंबर के बने, 59th बने, इंडिया के लिए सेकंड है, और इंडिया के लिए इससे पहले कौन था, मिस्टर प्रगानंदा थे, और वर्ल्ड के लिए कौन है, सर्जी केर्जकिन, उनकी उम्र क्या थी, 12 साल 7 महीने, ठीक है। बात करते हैं यू वेनसेंग, यू वेनसेंग पर्सन क्यों न्यूज में है इनके बारे में देख लेते हैं। ये चाइनीज राइट्स लॉयर है, पहली बात ये राइट्स के, राइट्स का मतलब एक तरह से जो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनके लॉयर हैं, आपके अधिवक्ता हैं।
डिटेंट का मतलब क्या होता है, इनको पकड़ के रखा हुआ अभी जेल में डाला हुआ है। तो चाइनीज गवर्नमेंट आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि रेप्यूटेड है तो उसको जेल में डाल देता, तो अभी इस फिलहाल जो है ये आपके जेल में है, डिटेंट है। यू वेनसेंग हैज वन, इन्होंने एक अवार्ड जीता है, उस अवार्ड का नाम है फ्रेंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड। फ्रेंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो है यू जीता है यू वेनसेंग ने, किसके लिए? फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव के जो अधिकार है, मानवाधिकार के प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, जो इनको इनका जो एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके लिए उनको अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड का नेम आपको बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आपका फ्रेंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड। अब बात करते हैं कि जब ये आपके जेल के अंदर है तो अवार्ड लिया किसने है, हिज वाइफ जू येन रिसीव्ड द फ्रेंको जर्मन प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। अब वो जेल में है तो उनकी वाइफ ने आपके ऑन द बिहाफ ऑफ हिम ये अवार्ड एक तरह से ग्रहण किया है। तो अवार्ड का नाम याद करना है, इस पर्सन का नाम याद करना है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं, और पैसे से क्या है, लॉयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियल इस्टेट सेक्टर की। अब इसमें बूस्ट करने के लिए, इसको सुधारने के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया है, बनाया है ए 7-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, एक तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है 7 members का, टू बूस्ट यानी एक तरह से उसको इन्हांस करने के लिए, उसके एक तरह से बूस्ट करने के लिए, किसको? द रियल एस्टेट सेक्टर अंडर द GST रिजाइम। GST के अंदर जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर आता है उसको बूस्ट करने के लिए आपने एक तरह से 7 minister का, 7 members का एक तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तैयार किया है गवर्नमेंट ने। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नितिन पटेल इज द कन्वेनर ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इसके आपके एक तरह से बोल दो कि इसके हेड कौन होंगे, तो इसके हेड होंगे आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो आपके उप मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो यहाँ पे हैं गुजरात के नितिन पटेल, वो इसके एक तरह से मान लो कन्वेनर या फिर हेड होंगे इस कमेटी के। ठीक है, द कमिटी विल एग्जामिन, अब कमेटी करने क्या वाली है, द कमिटी विल एग्जामिन लीगलिटी ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ लैंड और एनी अदर इंग्रेडिएंट। आप जब लैंड का अधिग्रहण करते हैं, इंक्लूजन करते हैं, एक्सक्लूजन करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको एग्जामिन करेगी, उसकी वैधता को परीक्षेगी, लीगलिटी को जांच करेगी। इन कंपोजिशन एंड सजेस्ट वैल्यूएशन मैकेनिज्म, उसके वैल्यू को कैसे आप उसकी वैल्यू को कैसे आंके मेजर कैसे करें उसके बारे में आपको बताया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। सो आपको पता होना चाहिए इसको हेड कौन करना है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नितिन पटेल, और 7 members यहाँ पे बनाए गए हैं। बात करते हैं EMRS नेशनल स्पोर्ट्स मीट की। सो फर्स्ट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स वॉज इनोग्रेटेड बाई जसवंत सिंह सुमनबाई भाभोर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स एट GMC बालयोगी स्टेडियम हैदराबाद। पहली बात तो ये फर्स्ट आपकी एक तरह से मीट है, कहाँ हो रही है, एक तरह से किसके स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी EMRS। एकलव्य की बात होगी आपको पता है कि वहाँ पे ट्राइबल्स की बात होगी। ठीक है, तो इनको इनोग्रेट किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, कौन है, जसवंत भाई सुमन भाई भाभोर, यानी एक तरह से बात कर सकते हैं। और ये हो कहाँ रहा है, GMC बालयोगी स्टेडियम हैदराबाद के अंदर, तो आपको हैदराबाद करना, सिंपल इसका आंसर हैदराबाद होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है EMRS की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, किसने इनोग्रेट किया है और कहाँ किया है, 4 questions यहाँ पे बनते हैं। बात करते हैं द इवेंट हैड पार्टिसिपेशन ऑफ 1777 स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग 975 बॉयज एंड 802 गर्ल्स रिप्रेजेंटिंग 20 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, 20 राज्यों के लगभग 1777 स्टूडेंट्स जिनमें से लगभग 975 बॉयज हैं एंड 802 आपके गर्ल्स हैं इसमें आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, किसने इसको एक तरह से इनोग्रेट किया, थीम क्या थी, इसके बारे में आपको सारा कुछ डिटेल पता होना चाहिए। इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस यानी एक तरह से सिंचाई के बारे में आपकी बात यहाँ पे चल रही है। इन ऑर्डर टू प्रमोट माइक्रो इरिगेशन अमंग्स द फार्मर्स मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट, इस मिनिस्टर ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया 9th
इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 9th आपकी जो इंटरनेशनल आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं इसकी थीम की। थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी आपकी समिट होती है, उसकी थीम जरूर होती है। इसकी थीम थी माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर, माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर इसकी थीम थी। बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, कौन है यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज? ये आपके श्री नितिन गडकरी, जो आपके एक तरह से हाईवे जो आपके बनते हैं उसके भी एक तरह से आपके मिनिस्टर हैं। उन्होंने इसको ऑफिशियली इनोग्रेट किया इस इवेंट को। तो यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन क्या बनते हैं, कहाँ हुआ और आपके एक तरह से किसने किया और इसकी थीम क्या थी और कौन से नंबर का था? 9th इंटरनेशनल माइक्रो आपके एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था और इसको औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया गया। बात करते हैं मिस्टर लेनिन राजेंद्रन की। मिस्टर लेनिन राजेंद्रन, इनका नाम क्यों आपका आ रहा है? पहली बात, ये मलयालम डायरेक्टर थे और स्क्रीन राइटर थे। ये एक्चुअल में पास्ट अवे, यानी इनकी मृत्यु हो गई है एज द एज ऑफ 67, 67 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। मलयालम डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर लेनिन राजेंद्रन, ही वॉज ए 5-time रेसिपियंट ऑफ द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स एंड ऑल्सो रिसीव्ड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म एंड क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट मलयालम फिल्म फॉर हिज फिल्म मकरा मांजू। तो इनकी फिल्म थी, इसके लिए इनको एक तरह से इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। इनका नाम याद करना आपको, मिस्टर लेनिन राजेंद्रन। ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो आपके चेयरमैन भी थे। तो अब वो उनकी मृत्यु हो गई है एज द एज ऑफ 67। तो आपको इनका नाम याद करना है, कौन सी इंडस्ट्री से है, मलयालम यानी केरला से है, डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, इनको का पैसा भी याद करना है, आपको प्रोफेशन भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाल ही में उनका निधन हो गया, वो क्या थे, है ना, वो डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर भी थे। तो ये आज का अपना सेशन था, आपके टॉप 12 टू 13 न्यूज मैंने यहाँ पे कवर कर ली है और मोर देन दैट ही किया होगा, कि आपको पता है कि हर एक चीज यहाँ पे कवर की जाती है और कोई भी समिट होती है उसकी थीम वगैरह आपको पता होनी चाहिए और मिनिस्टर का पता भी होना चाहिए और कौन सा पर्सन किस लिए न्यूज में है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बस आज का सेशन इतना ही था, होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। अपना जो प्यार है वो चल पे बरसाते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।